तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आज की वीडियो में है बारात का सारा फंक्शन जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और बारात में क्या क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं, तो सारी चीजें इस ब्लॉग में मिलने वाली है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर ले और बेल आइकन को लाजमी दबा ली, और बताइएगा कि मेहंदी का आपको जो है वो फंक्शन, वो जो मेहंदी का ब्लॉग मैंने अपलोड किया था वो किस तरह का लगा, वो भी मैंने अपलोड किया हुआ इससे प्रीवियस वीडियो है। तो आज है बारात का फंक्शन, टाइम हमारे पास जो हो गया वो 2 बज गए हैं और 3-4 बजे हम तैयार शहर होकर इधर से निकलेंगे और फंक्शन जो है वो 7 बजे का, इधर से हमें पहुंचते जो है वो बड़ा टाइम लगना, क्योंकि हमने जाना है इधर से रायमंड जो है इधर से 35 से 40 किलोमीटर का दूरी भी है, तो इसकी वजह से जो है ना बड़ा टाइम लगेगा। रस्ते में धुंध वगैरह भी हो सकती है, अभी भी आप देख सकते हो बाहर कोई भाई धूप शूप का निशान नहीं है, फुल तेज ठंडी हवा चल रही है। रात को जो है ना लेट सोने की वजह से जो है ना आंखें अभी भी खुली नहीं है, चुनी चुनी आंखें हैं, छोटी छोटी जैसे चाइनीज नहीं होते हैं, नींद भी पूरी नहीं है। बहरहाल फटाफट से उठे हैं, जुम्मा शुमा पढ़ते हैं और खाना शाना खा के थोड़ा बहुत नाश्ता नुश्ता जो होता है उसके बाद कपड़े कुपड़े अपने रेडी करने, घंटा हमारे पास और घंटे में हमने जो है ना वो सारे काम अपने करने हैं। मुँह शू हमारा ठीक है, उस दिन बड़ा रगड़ा लगाया था, खाद खुद भी हुआ है, बाल छाल भी सही है और बस मुंह हाथ धोना है, कपड़े पहनते हैं और शादी के लिए हम रेडी हो रहे हैं। बताता हूँ मैं आपको कि शादी पे आना है क्या पहनना हूँ। कपड़ा वगैरह आपके भाई का फुल रेडी है, फुल इस्त्री उस्त्री करके हमने रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने अब शॉल लेनी है, वेस्टकोट पहननी है या हमने पहनना है कोट, वो मैं आपको भी बताता हूँ। भाई ये कोट है हमारे पास, ये कोट है, ये वेस्टकोट है, ये वेस्टकोट है, ये वेस्टकोट है और ये कोट जो है इसमें देखते हैं क्या, ये भी वेस्टकोट है भाई आपकी, ये वाली, ये भी अच्छी लगेगी और ये कोट है हमारे पास, ये पहनते हैं, मैं तो कहता हूँ ठंड भी है और ना इस कोट की ग्रेस भी आपको ज़्यादा निकलेगी। ओके, ये वेस्ट कोट भी वैसे ठीक है लेकिन सर्दी है बहुत। तो फिर जा रहे हो शादी पे? नहीं जाना हो, पाते में नहीं करते आगे से, क्या पहन रहे हो फिर आज? अभी यही तो लग, ये तो ऐसे आप लोग दरबार पे जा रहे हो यार, इतना प्यारा लग, वो दरबारों वाले ने पहना होता दरबार, सही बात है, मम्मा से पूछ लो दरबार वाले ऐसे कपड़े पहन के तो वो रोटी रोटी बांटते हैं। दरबार वाले भी इतने अमीर हैं तुम्हें पता ही नहीं, क्या बात कर दी छोटे छोटे, एक चपेट लगाओ यार। इधर नाश्ता नुश्ता करके फारिग हो गए हैं भाई, ये पराठा था और ये थे मटर गोश्त, बहुत ही स्पाइसी किस्म के बने हुए थे और ये थी चाय, चाय ऐसे थी भाई के कप में मिल नहीं था रहा और हमने जो है ना इसको ग्लास में डाल दिया, बताओ मैंने ठीक किया कि नहीं। हेलो ब्लॉग बना ले को, यही पड़ता रह गया तेरे पास, पूरे रिजल्ट पड़ा ही लग गया कुछ नहीं यार भाई, आपका नहा के निकला तो मैंने कहा थोड़ा हंस के दिखा दे कैसा लग रहा है आपको भाई, भाई आपका नहा के रेडी हो गया, नहा शहा के कैसा लग रहा है, प्यारा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है आपके भाई पे, कितना सनकती लग रहा है, नीचे जो है हमने चप्पल वगैरह ही पहनी है, शूज वगैरह पहनते हैं और ऊपर जो है ना हमने इसके ऊपर कोट वगैरह पहनना है, कोट पहनते हैं या वेस्टकोट पहनते हैं, अभी सिलेक्शन नहीं हो रही है, मेरा ख्याल है कोट पहनते हैं क्योंकि बाहर जो है ना सर्दी भी बहुत ज्यादा। यहाँ पर कह रहा है थोड़ा चिट्टा चिट्टा हो जाएगा, थोड़ा सा आटा उटा बाल ले अभी यार, लड़कियाँ इतनी प्यारी लगती है तो लड़कों को भी थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए यार। तो यार अभी अभी घर पहुंचे हैं, इनके रेडी हुए हैं, फुल जैकेट पहन के आया, अभी कोट पहनते हैं, जैकेट उतार के, बाकी डूलर का रूम फुल रेडी शेडी हुआ है, इधर से रूम चेक करो डेकोर हुआ है, तो अभी इधर से फटाफट कोट वगैरह पहनते हैं, कंघी वगैरह एक दफ़ा दोबारा करते हैं, बाकी आपके भाई ने आज फिर खेड़ी पहन ली है, फुल वी आई भी खेड़ी लग रही है, हाल में जाके मिलते हैं, इधर से रेडी शेडी हो गया तो अब सीधा हाल में जाना है। मौसम जो है फुल हैवी किस्म की ठंड है यार, हर जगह छत पे इस टाइम खड़े हुए हैं तैयार होने के लिए, छत पे हमें जगह मिली है क्योंकि नीचे सारा लेडीज मामला हुआ है, ऊपर जो है सारा जेंट्स मामला है, बाकी सर्दी सुर्दी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना, तो कोट पहन के भी जो है सर्दी रुक नहीं रही है। घर से फॉर्च्यूनर का प्लान बना के इधर बसों में उन्होंने घुसा दिया वो भी आखिरी सीट पे उन्होंने बिठा दिया, घर से कहते फॉर्च्यूनर पे आपको लेके जाएंगे तो उन्होंने बसों में बिठा दिया हमें तो फिर हो तो खत्म है, फॉर्च्यूनर तो मर गई, फॉर्च्यूनर तो मर गई, प्रोग्राम भी मर गया, मर गया।
थोड़ा आगे फारिग हो गए, अभी तो तस्वीरें तस्वीरों का जो सीजन है वो चल रहा है, बाकी अब घर जाने की तैयारी है, खाना खुना खा के फुल रेडी। हाँ खाना बनेगा यार, लेवल है यार, लेवल होता ना, एक लेवल है खाना, बहुत लेवल का था, बहुत टेस्टी खाना, तो इसकी वजह से जो है ना फटाफट जो है अब घर जाना, घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे धुंध का भी खतरा है और एक तो जाना भी हमने बहुत दूर है। तो भाई शादी से जो है वो फारिग हो गए, घर आ गए हैं कल की तरह, फिर ठंड में धुंध में जो है सफ़र करके आए हैं। खैर आज हम बस के अंदर थे, कवर अप थे, तो इस वजह से जो है ना धुंध का इतना पता नहीं लगा, लेकिन फॉग जो है वो बहुत हैवी किस्म की बाहर हुई है, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इस टाइम। तो मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको व्लॉग पसंद आएगा, कि यार रोज़ व्लॉग बना रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को लाजमी दबाया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुँच सके, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है, अल्लाह हाफिज़।